मैंने इस चुनाव में अगले 5 साल के लिए विकास का रोड मैप दिया है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था। मैंने इस चुनाव में अगले 5 साल के लिए विकास का रोड मैप दिया है। मैंने 25 साल का विजन देश के सामने रखा है, लेकिन ये भी जरूरी है हम अतीत का भी ध्यान रखें। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी।